बरेली में पुलिस द्वारा कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आईपीएस प्रभाकर चौधरी बरेली के एसएसपी पद से हटा दिए गए हैं। ये वही प्रभाकर चौधरी है जिनके काम की कभी पीएम मोदी ने सराहना की थी, लेकिन जिस आईपीएस की पीएम मोदी ने खुद तारीफ की थी उसी अधिकारी पर सीएम योगी की कार्रवाई से चर्चा आग की तरह सारी जगह फैल गई है। बरेली के अंबेडकर नगर के प्रभाकर चौधरी ने अपनी 13 साल की नौकरी में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। उनका 21 बार पहले भी तबादले हो चुके हैं। वहीं प्रभाकर के तबादले से उनके परिवार के साथ साथ पूरा गांव रोष में है। मामले पर उनके पिता ने नाराजगी जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आखिर प्रभाकर का ट्रांसफर क्यों हुआ। आज से तय कर लिया है, अब बीजेपी के खिलाफ ही रहूंगा। बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज मामले में कुछ घंटों बाद आईपीएस प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया। मामले में प्रभाकर ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि अगर पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती तो मामला और बिगड़ जाता। पुलिस ने तो अच्छा काम किया, लेकिन उनको अच्छे काम का नतीजा बुरा मिला। इस बात का हमें काफी दुख हुआ है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मैं बीजेपी का पदाधिकारी रह चुका हूं, लेकिन इस अपने बेटे पर इस कार्रवाई के बाद आज से हमने तय कर लिया है कि बीजेपी के खिलाफ ही रहेंगे। आगे चुनाव में कुछ इलाकों में तो बीजेपी को कभी भी जीतने नहीं देंगे। भारत परिवार से ताल्लुक रखते हैं प्रभाकर। अपने कार्यों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी की जिंदगी बेहद साधारण तरीके से बीती है। बता दें कि प्रभाकर चौधरी अंबेडकर नगर जिले थाना हंसवर के ग्राम महमूदपुर निवासी हैं। वहीं प्रभाकर चौधरी के पिता का नाम पारसनाथ चौधरी है। प्रभाकर की प्राथमिक शिक्षा शिशु मंदिर विद्यालय बसखारी से हुई है। इसके बाद इंटर तक की शिक्षा इंदईपुर इंटर कॉलेज से हुई है। प्रभाकर ने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया और 2010 में अपने पहले ही प्रयास में आईपीएस बन गए। प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ चौधरी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और ये विगत 40 सालों से संघ और बीजेपी से जुड़े हैं। प्रभाकर चौधरी के पास गांव में 80 के दशक में बना पुश्तैनी मकान है और पूरे परिवार की जिंदगी काफी सामान्य तरीके से बीत रही है। 22वीं बार ट्रांसफर हुआ तो अखर गई बात। वैसे तो 13 साल की नौकरी में प्रभाकर का 21 बार ट्रांसफर हो गया है, लेकिन इस बार जब बरेली से उनका ट्रांसफर हुआ तो ये बात उनके पिता के साथ साथ क्षेत्र वालों को भी अखर गई। उनके पिता ने कहा कि प्रभाकर एक ईमानदार अधिकारी हैं और इसीलिए उनका इतनी जल्दी ट्रांसफर होता है।